हेलो नेचर लवर्स, आज मैं आपको कश्मीर के एक छुपे हुए रत्न की सैर कराने ले जा रही हूँ, बंगस घाटी। जब हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों के नाम दिमाग में आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट इन्हीं जगहों पर जाते हैं और ये जगहें भीड़ भाड़ वाली हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते थे कि कश्मीर में कई और भी ऐसी जगहें हैं जो अभी भी अछूती और प्राकृतिक हैं? ऐसी ही एक जगह है बंगस घाटी। श्रीनगर से 85 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कुपवाड़ा जिले में स्थित बंगस घाटी प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। जैसे ही आप श्रीनगर से निकलते हैं, आप कुपवाड़ा पहुंचेंगे, जो एक घाटी में बसा हुआ है। कुपवाड़ा से आगे बढ़ते ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठने लगते हैं। इन पहाड़ों के बीच कई दर्रे और घाटियां हैं और बंगस घाटी इन्हीं छुपे हुए रत्नों में से एक है। कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बंगस घाटी कई सौ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा LOC से इसकी निकटता के कारण यह कभी पर्यटकों के लिए ऑन ऑफ लिमिट्स थी, लेकिन अब यह टूरिस्ट मैप पर दिखने लगी है, जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में है। घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से 2200 मीटर से 3000 मीटर तक है। यहां आपको हरी भरी घास और अनगिनत प्रकार के फूलों से भरे विशाल घास के मैदान मिलेंगे। सर्दियों में घाटी बर्फ से ढक जाती है, जिससे एक जादुई दृश्य बन जाता है। आप इन घास के मैदानों को पैदल या घोड़े पर घूम सकते हैं। घाटी के बीच से छोटी छोटी धाराएं बहती हैं, जो इसके आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। क्योंकि इस जगह का अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, इसलिए इसकी प्राकृतिक सुंदरता अछूती है। अगर आपके पास टेंट है तो आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। बंगस घाटी तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक कुपवाड़ा और क्रालपुरा से होकर और दूसरा हंदवाड़ा से होकर। आप एक तरफ से प्रवेश कर सकते हैं और दूसरी तरफ से निकल सकते हैं। अगर आपको अनफॉरबिट डेस्टिनेशंस पसंद हैं, तो आज ही अपनी ट्रैवल लिस्ट में बंगस घाटी को शामिल कर लें। अब आप वहां कैसे पहुंचे? बंगस घाटी श्रीनगर से 115 किलोमीटर दूर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप श्रीनगर से आसानी से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आप अपना वाहन भी चला सकते हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई हैं। जाने का सबसे अच्छा समय कब है? बंगस घाटी सर्दियों के महीनों में बर्फ से ढकी रहती है और बंद रहती है। ये मार्ग आमतौर पर अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर दिसंबर में बर्फ फिर से गिरने तक सुलभ रहते हैं। बंगस घाटी की यात्रा के लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। आप इस परमिट को क्रालपोरा पुलिस स्टेशन से अपने आधार कार्ड या किसी भी भारतीय ID के साथ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने बैग पैक करें और बंगस घाटी में कश्मीर की छिपी हुई सुंदरता का पता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। यात्रा शुभ हो।